सरों का। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। गोरखपुर, आगरा, मैनपुरी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही गोरक्षक पीठ में गौ सेवा के साथ जनता दर्शन कार्यक्रम में शामिल होंगे और जटाशंकर गुरुद्वारा में श्री सत्य गुरु तेग बहादुर जी महाराज का शहीदी पर्व कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही गोरखपुर में कार्यक्रम सामूहिक विवाह कार्यक्रम में नव दंपतियों को आशीर्वाद देंगे और प्रबुद्ध जन सम्मेलन में लोगों को संबोधित करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन लगाया जिसमें सीएम लगभग 600 लोगों से मिले, उनकी समस्याओं को सुना और निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को कहा। सीएम योगी आदित्यनाथ का भ्रमण कार्यक्रम होगा। गोरखपुर, आगरा, मैनपुरी दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। बता दें कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, वहीं कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हिमांशु हमसे जुड़ेंगे। हिमांशु, हमारे साथ हिमांशु जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी, जिसमें गोरखपुर, आगरा और मैनपुरी दौरे पर रहेंगे। क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, कौन कौन लोग शामिल होंगे? बिल्कुल बता दें मयूरी की सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय कार्यक्रम था और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को जो कई परियोजनाओं का जो है लोकार्पण किया है, ऐसे में सौगात दी है गोरखपुर वासियों को। और साथ ही अन्य जिलों में भी सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है। हालांकि आज की बात करें तो सुबह से ही सीएम योगी आदित्यनाथ अपने बिजी शेड्यूल के हिसाब से बिजी रहे हैं और पूरी तरह से बता दें कि सुबह जनता दरबार में लगा, जहाँ 600 से ज्यादा की संख्या में फरियादी आया और उनकी फरियादों को सुना सीएम योगी आदित्यनाथ ने और गायों को उनके जितनी भी समस्या है उनके निस्तारण के लिए पूरी तरह से आदेश दिया है, आदेशित किया है, निर्देशित किया है। और उसके साथ ही गोरखनाथ थाने के निर्माण को लेकर के भी उन्होंने जायजा लिया है कि किस तरीके से गोरखनाथ थाने का निर्माण कार्य हो रहा है और उसके लिए अधिकारियों को उन्होंने निर्देश भी दिया है और बताया है कि चूंकि थाने का जो है एक उचित दूरी होती है, एक समायोजित क्षेत्रफल होता है, तो ऐसे में जितने भी थाने हैं उसमें नीचे थाने को और ऊपर जो है आवास को बनाने की योजना उन्होंने कहा है कि इसको मूर्त रूप में लाएं और इसको करें इसको पूरा। और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो उसके बाद से तेग बहादुर शहीद दिवस पे जो है जटाशंकर पहुंचते हैं, जहां पे उन्होंने दर्शन किया है और उनको नमन भी किया है। और उसके बाद से ही आज उनको एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भी सम्मिलित होना है। 11:45 से 12:45 तक, 10:45 से 11:45 तक सीएम योगी आदित्यनाथ वहीं पर रहेंगे चंपा देवी पार्क में और विवाहों नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देंगे, जिससे वो अपने नए दंपत्य जीवन आरंभ कर सके। और उसके बाद 12 बजे से यहाँ से रवाना हो जाएंगे और साथ में उनको कई जिलों का दौरा करना है, तो ऐसे में वहाँ पे भी लोकार्पण और शिलान्यास की योजना है। तो वहाँ पे जितने भी उस क्षेत्र के सांसद और विधायक हैं वो सभी लोग तमाम वहाँ पे मौजूद रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ एकदम एक्टिव मोड में है क्योंकि चुनाव भी नजदीक आ रहा है, ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से दम खम लगाए हुए हैं कि पूरी तरह से इसको जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में लाया जाए। प्लास्टिक पार्क की बात करें गीडा के या फिर अन्य गाजीपुर गाजियाबाद की बात करें वहां पे जितनी योजनाएं हैं उनको देने की बात करें तो ऐसे में इसी रूप में आगरा और इटावा वगैरह में भी उनको जो है कई कार्यक्रम में शिरकत करना है, लोकार्पण और शिलान्यास करना है। हिमांशु, कई कार्यक्रमों में सीएम योगी शामिल होंगे, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल मयूरी, बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रोटोकॉल काफी हाई होता है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री जब पहुंचते हैं तो वहां पे प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट होता है, आसपास के जिलों की फोर्स भी लगा दी जाती है, खुद सीएम सिक्योरिटी साथ में चलती है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ को एनर्जी सुरक्षा मिली हुई है। तो ऐसे में आपको बता दें
कि सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए सादे वर्दी में और ड्रोन से भी पूरी तरह से और छतों पर रह करके जो है पुलिसकर्मी निगरानी करते हैं, लगातार दूरबीनों से नजर रखी जाती है कि सीएम योगी आप जितना भी कार्यक्रम की बात करें तो उसके लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और जायजा ले रहा है पूरी तरह से कि किस तरह से कार्यक्रम में कहीं कोई कमी ना हो, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ जो है जिस तरीके से वहां पहुंचेंगे वहां पे पूरी व्यवस्था कर ली जाए। हालांकि वहां पे जितने भी भाजपा के लोग हैं वो भी वहां पहुंचे हुए हैं, जितने भी नेता हैं वो भी वहां पहुंचे हुए हैं, ताकि सीएम योगी आदित्यनाथ जो भी लोकार्पण करेंगे और जो भी सौगात उन जिलों को देंगे उसकी जो पूरी तरह से लाभ उठा सके और उसको जनता के बीच में ले आ सके। हिमांशु, 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी, वहीं कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे, तो इसमें क्या कुछ शामिल है? जी बिल्कुल, आपको बताते हैं इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा रोल होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूरी तरह से डेवलपमेंट, चाहे रोड की चौड़ीकरण की बात करें या सुंदरीकरण की बात करें, ताकि मॉडल रूप से यूपी के कई जिलों को बनाना है तो ऐसे में मॉडल रूप में देने के लिए जो है पूरी तरह से इसमें कई योजनाएं इसमें शामिल हैं, चाहे रोडों के चौड़ीकरण की बात कर दें, साफ सफाई की व्यवस्था की बात कर दें, यातायात व्यवस्था की बात कर दें, तो तमाम ऐसी योजनाएं हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जाकर के उसका जो है लोकार्पण करेंगे। धन्यवाद हिमांशु तमाम जानकारियों के लिए। रायबरेली में सरेनी से लालगंज जाने वाली सड़क महज 8 महीने में धस गई। जानकारी के मुताबिक प्रशासन और संबंधित विभाग की तरफ से अभी 8 महीने पहले ही इस सड़क का निर्माण करवाया गया था, लेकिन सड़क में घटिया सामग्री लगने की वजह से और जिम्मेदारों की तरफ से लापरवाही बरतने से सड़क 8 महीने के अंदर ही धस गई, जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसकी शिकायत प्रशासन से करते हुए संबंधित अधिकारियों से जाँच की मांग की गई है। समस्या होती है इसमें, कई हादसे भी हो चुके हैं, जैसे कि वो डिवाइडर वहाँ पे बनाया गया था तो वहाँ पे ऑन स्पॉट बंदा एक्सीडेंट से ख़त्म हो गया है। अच्छा। और एक कार भी इसी यहाँ से आई, यहाँ से टकरा गई इसी डिवाइडर पे, डिवाइडर भी टूट गया है। अच्छा, तो क्या कितने दिन हो गया होंगे इसको चले हुए स्कूल को? स्कूल को 1 साल तकरीबन हो ही गया होगा। 1 साल हुआ है जी। और ये रोड धस गई। यहाँ भी नहीं, वहाँ वो वाला भी, वहाँ पे जो आगे पुल है वो भी इसी तरह हो गया है, दोनों पुल खराब हो चुके हैं। हाँ। महज 1 साल में। 1 साल में। बता दें रायबरेली से सरेनी से लालगंज जाने वाली सड़क महज 8 महीने में धस गई। जानकारी के मुताबिक प्रशासन और संबंधित विभाग की तरफ से अभी 8 महीने पहले ही इस सड़क का निर्माण कराया गया था, लेकिन सड़क में खटिया सामग्री लगने की वजह से और जिम्मेदारों की तरफ से लापरवाही बरतने से सड़क 8 महीने के अंदर ही धस गई है। बता दें सड़क निर्माण में घटिया सामग्री लगने की वजह से और जिम्मेदारों की तरफ से लापरवाही बरतने से सड़क 8 महीने के अंदर ही धस गई, जिससे आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी शिकायत प्रशासन से करते हुए संबंधित अधिकारियों की जांच की मांग की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 8 महीने के भीतर बनी सड़कों की हालत बद से बदतर हो गई है, जिम्मेदारों की लापरवाही साफ नजर आ रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता बलवंत हमसे जुड़ेंगे। बलवंत, 8 महीने पहले ही सड़क का निर्माण हुआ था जो अब धस गई है, क्या वजह है, किसकी लापरवाही सामने आई है? आपको बता दें कि अभी उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 8 महीने पहले इसका उद्घाटन बकायदा किया था और ये लालगंज से सरेनी जाने वाला मुख्य मार्ग है जो फतेहपुर और उन्नाव जनपद, कई जनपदों को जोड़ता है, उसके बाद भी
और इससे लाखों लोग यात्रा करते हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर कभी बड़ा हादसा हो सकता है। हाल ही में अभी गुजरात में मोरबी पुल में 134 लोगों की जाने गई है, उसके बावजूद भी जिला प्रशासन जो है कार्रवाई खाना पूर्ति कर रहा है और कार्रवाई के नाम पर। इसमें सूत्रों से बड़ी जानकारी मिली है कि इसमें मंत्री और विधायक के चहेतों को ठेका दिया जाता है, जो उसके बाद उनपे कार्रवाई प्रशासन करने के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करता है। धन्यवाद बलवंत तमाम जानकारियों के लिए। कानपुर में वीवीआईपी मरीज के लिए तीन जिलों की पुलिस सड़कों पर उतर आई। बता दें कि लखनऊ से कानपुर रीजेंसी हॉस्पिटल तक एक स्पेशल कॉरिडोर बनाया गया। ये कॉरिडोर उन्नाव होते हुए गंगा बैराज से रीजेंसी हॉस्पिटल तक बनाया गया। जानकारी के मुताबिक थाईलैंड में रीजेंसी हॉस्पिटल के डायरेक्टर घायल हुए थे और उन्हें रीड में गंभीर चोट आई थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल हमसे जुड़ेंगे। अनिल, कानपुर में वीवीआईपी मरीज के लिए तीन जिलों की पुलिस सड़कों पर उतर आई, वहीं कॉरिडोर बनाया गया, क्या कुछ पूरा मामला है? जी, मैं बता दूं कि ये कानपुर का एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है, रीजेंसी हॉस्पिटल है, जिसके मालिक के बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। जो कि एक्सीडेंट था ये थाईलैंड में हुआ था। थाईलैंड में पूरे परिवार के साथ घूमने गए थे और जब वहाँ पे उन सीढ़ियों से पैर फिसलने से उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया था, जिसके चलते वो काफी कंडीशन खराब हो गई थी। उसके बाद उन्हें थाईलैंड से दिल्ली एयर एम्बुलेंस के माध्यम से लाया गया, एयर एम्बुलेंस से, और उनको लखनऊ एयरपोर्ट पर लाया गया था। लखनऊ एयरपोर्ट के बाद कानपुर से लखनऊ के बीच में तीन जिलों की पुलिस जो थी पूरी रोड पर उतर चुकी थी। रोड पर उतरने के बाद में पूरी ग्रीन कॉरिडोर बना के उनको कानपुर लखनऊ से कानपुर शिफ्ट किया गया था। हालांकि जब रीजेंसी हॉस्पिटल के जो मालिक है, इन्होंने पुलिस कमिश्नर से, कानपुर के पुलिस कमिश्नर से आग्रह किया था कि उनको ऐसी ऐसी समस्या है, तब जाकर उन्होंने इस चीज पे आगे कार्रवाई की थी और तीन जिलों की फोर्स सड़क पर उतर चुकी थी। जी। अनिल, जहां एक तरफ योगी सरकार वीवीआईपी कल्चर को खत्म कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ऐसी घटना सामने आना काफी सोचने का विषय है। मैं बता दूं कि हालांकि वीवीआईपी था, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी को भी जब इन समस्याओं का सामना करना होता है तो उनके लिए भी इसी तरीके से ग्रीन कॉरिडोर का भी उपयोग करना चाहिए। हालांकि ये बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि ग्रीन कॉरिडोर बनकर जिस हिसाब से पुलिस काम कर रही है, इसी हिसाब से आम जनता को भी अगर फायदा मिले तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि एक इमरजेंसी थी, इमरजेंसी में ग्रीन कॉरिडोर होना जरूरी है, लेकिन सिर्फ वीवीआईपी के लिए इस तरीके की सुविधाएं और नॉर्मल आदमियों के लिए इस प्रकार की सुविधा नहीं मिलती है, तो इसमें एक बड़ा प्रश्न उठता है। हालांकि बड़े अधिकारियों को और बड़े नेताओं को और कहीं ना कहीं सूबे के मुखिया को भी इस चीज पे गौर करना चाहिए कि अगर ग्रीन कॉरिडोर वीवीआईपी के लिए है तो आम आदमी के लिए भी इन सब चीजों के लिए होना चाहिए। जी, बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। धन्यवाद अनिल तमाम जानकारियों के लिए। अब तक के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।